हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेना पाउडर से नेचुरल टी कूट पुट्टी कैसे बनाई जाती है। इसमें हम सेना पाउडर का ही प्रयोग करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें तीन सेना की ज़रूरत पड़ेगी। एक है हमारा रा सेना, ये देखिए रा सेना है, ये पीले कलर का होता है। और दूसरा है ब्रंट सेना, ये देखिए ब्रंट सेना। और तीसरा है हमारे पास टर्की अंबर। ये तीन सेना की ज़रूरत पड़ेगी नेचुरल टी कूट पुट्टी बनाने के लिए। इसमें आप कंपनी कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ मार्केट में अवेलेबल हो। तो अभी हम ये रा सेना ले रहे हैं, ये देखिए रा सेना, क्योंकि पीला सेना भी बोलते हैं, पॉलिश पाउडर भी कहते हैं इसको। और ये है हमारे पास रेड कलर का सेना, इसको टर्की अंबर भी कहते हैं, पैकेट पर टर्की अंबर ही लिखा होता है। ये देखिए इस मात्रा में हमें लेना है, रा सेना ज़्यादा लेना है और टर्की अंबर थोड़ा सा कम लेना है उससे। और जो ब्राउन सेना होता है उसको हमें बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, क्योंकि हमें नेचुरल बनाना है, नेचुरल टीक वुड पुट्टी। ये देखिए इतना हमें ब्राउन सेना लेना है, इस हिसाब से हमें सेना पाउडर ले लेना है और फिर इनको एक में मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी से उसको घोलेंगे, पेस्ट सा बनाएंगे। पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। और इस तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में इसमें थोड़ा सा फेविकोल भी डालेंगे हम। ये देखिए फेविकोल SH है, आप कोई भी फेविकोल ले सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा फेविकोल भी मिक्स करेंगे इसकी मजबूती के लिए, क्योंकि यह एक प्रकार की मिट्टी ही होती है। अगर इसमें हम फेविकोल नहीं डालेंगे तो इसकी मजबूती कोई भी नहीं होगी, इसलिए इसमें फेविकोल डालना ज़रूरी होता है। फेविकोल आप थोड़ा ही मिक्स करें, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अगर ज़्यादा होगा तो हार्ड हो जाएगा, जिससे कि आपको रेगमल लगाने में दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा ही मिक्स करना है। इसी तरीके से इसको मिला लेना है अच्छी तरह से, उसके बाद में आपको जहाँ भी यूज करना हो इसको यूज कर सकते हैं। हम इस टेबल पे यूज करने वाले हैं। इससे एक ये भी फायदा होता है कि जो लकड़ी का कलर डिफरेंट होता है, जैसे कहीं पे ब्राउन होती है या कहीं पे लाइट होती है, तो वो पूरी सेट हो जाती है, इसलिए हम पॉलिश पाउडर का प्रयोग करते हैं। बाकी अगर आपको नहीं इसका प्रयोग करना है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप वुड फिलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड फिलर मार्केट में आपको रेडीमेड मिल जाता है बना हुआ, वह थोड़ा सा महंगा पड़ता है और वह मजबूत भी ज़्यादा होता है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसका प्रयोग रिपेयर करने के लिए ही किया जाता है, जहाँ पर होल वगैरह होते हैं वहीं पे भरने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, बाकी पूरी जगह पर इसको नहीं लगाया जाता है। टेबल के ऊपर पूरी वीडियो भी मैंने बनाई है कि टेबल को पॉलिश किस तरह से किया जाता है, उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी जल्दी ही, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर प्रकार के पेंट और पॉलिश की डिटेल मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।